बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कश्मीरी चाय बनाना, जो कि विंटर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो चलें जी, इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 8 कप पानी ले लिया एक सॉस पैन में, और उसके अंदर मैंने 5 अदद इलायचियाँ डाल दी हैं। जैसे ही पानी पकना शुरू होगा तो इसके अंदर आप सब्ज़ चाय डाल दें 1 चम्मच। इसके साथ ही आप 1 टीस्पून नमक डाल दें, और ये डालकर आप इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर 40 to 50 मिनट्स पकने दें। इसको ये पक पक के तकरीबन जो 8 कप पानी है ये 4 से 5 कप हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 40-50 मिनट हो चुके हुए हैं। तो ये देखें, अब इसके अंदर आप बेकिंग सोडा डाल दें 1/4 टीस्पून, एक चुटकी के बराबर होता है ये। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, आपको किसी किस्म का फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने डाल देना। इसके साथ ही इसमें आप 1/2 कप ठंडा पानी डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये छोटी छोटी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ग्रीन टी बनाने के लिए। अब आपने इसको फेंटना शुरू कर देना है। जैसे ही ये पकना शुरू होगा ठंडा पानी डालने के बाद, आप इसको फेंट लें। तकरीबन 10 मिनट आपने इसको फेंटना है इस तरह से। तो जी ये देखें, हमने ये फेंट लिया और ये कहवा हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो जितना आपने इस्तेमाल करना है वो कर लें, बाकी आप बोतल में डालकर 1 हफ्ते तक इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए अब इसकी चाय बनाने की तरफ चलते हैं। चाय बनाने के लिए मैं तकरीबन 4 कप चाय बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 3 कप दूध डाल दिए और 2 कप मैं इसमें कहवे का डाल रही हूँ। अब थोड़ा बहुत कलर के लिए या ज़्यादा करने के लिए, या अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद है तो आप कहवा भी 3 कप डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब जो है वो मकदार होती है, 2 कप कहवा और 3 कप दूध। ये डालकर अब आप इसको पका लें। इसको आप तकरीबन 10 मिनट पकने दें हल्की आंच के ऊपर। ये जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। यहाँ पर आप चख लें, अगर आपको नमक हल्का लग रहा है तो आप नमक डाल लें, चीनी चाहें तो वो भी ऐड करें। तो ये अब हमारी चाय रेडी हो चुकी है। मैं इसे कप में निकाल लेती हूँ जी। तो इसे मैंने कप में निकाल दिया, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चांदी का वर्क और बादाम डाल लिया। आप जो भी चाहें इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चाय रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक शेयर करें।